सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा सारयां दा इक बार फिर तो आई न्यूज़ पंजाब दीयां खबरां विच स्वागत है। तुसी इत्थे हर खबर एक एक करके विस्तार विच जाणोगे, पर उस तो पहला तुहानू सब नू इक बेनती है कि इस वीडियो नू लाइक करो अते पूरा जरूर देखो। आओ जानदे हां अज दी पहली वड्डी खबर। प्याज दियां वधियां कीमतां ने लोकां दे हंजू कड्डे। जी हां, दस दईए कि हले पूरा देश कोरोना दी महामारी तो उभर नहीं सकिया, पर हुण महंगाई दे चलदे लोकां दा जीणा दुभर हो गया है। जे गल रोजाना वरतों करन वाले प्याज दी कीती जावे तां इस दियां कीमतां ने हर किसे दा बजट बिगाड के रख दिता। बठिंडा दी होलसेल मंडी विच 60 रुपए किलो दे हिसाब नाल बीतिया होया प्याज आम लोकां तक 80 रुपए किलो दे हिसाब नाल पहुंचदा है। पिछले 7 दिनां दी गल कीती जावे तां प्याज दे रेट 30-35 रुपए किलो सन, जो हुण वध के 80 रुपए तो पार हुंदे जा रहे हन। जिथे प्याज दियां वधियां कीमतां तो हर आम परेशान है, उथे थोक विच प्याज वेचण वाले भी परेशान नजर आ रहे हन। उन्हां दा कहना है कि पहला रोज 80 तो 100 करीब प्याज दी विक्री हुंदी सी, जो घट के 10 बोरी तक रह गई। हरीश रावत ने कहा, नौजवान पीढ़ी लई सिद्धू भी कैप्टन। जी हां, दस दईए कि हरीश रावत ने अज नवजोत सिंह सिद्धू दे बारे अपने विचार सांझा करदियां कहा कि जंग जीतण लई बहुत सारे कैप्टन चाहीदे हन। साडे सारयां दे कैप्टन राहुल हन, पंजाब दे कैप्टन मुख मंत्री ने, अते नौजवान पीढ़ी लई नवजोत सिंह सिद्धू भी कैप्टन हन। हुण सारे भरम दूर हो चुके ने। सिर्फ इन्ना ही नहीं, पंजाब कांग्रेस दे इंचार्ज हरीश रावत ने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू सच्चे इंसान हन। उन्हां दा राहुल गांधी ते प्रियंका गांधी वल खास लगा है। इस तो बाद हरीश रावत ने सिद्धू नूं पंजाब दा भविख दस्या सी। उस तो बाद चर्चावां सन कि सिद्धू नूं पंजाब कांग्रेस दे प्रधान दी जिम्मेवारी सौंपी जा सकदी है, जिस ते मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा सी कि 3 साल पहला कांग्रेस विच शामिल शख्स नूं किवें पार्टी दा प्रधान बनाया जा सकदा है। पुत दा जन्म दिन मनाउण दी जिद अगे हारी जिंदगी। गुस्से विच आए पति ने चुकिया खौफनाक कदम। जी हां, दस दईए कि पटियाला विच पत्नी दी जिद तो परेशान हो के इक व्यक्ति वल्लों फाहा लै के खुदकुशी करन दा समाचार प्राप्त होया। इस संबंधी सूचना मिलदिया मौके ते पुजी पुलिस ने लाश नूं कब्जे विच लै के अगलेरी कारवाई शुरू कर दित्ती है। इस संबंधी जानकारी दिंदिया मृतक हरविंदर दे पिता अमर सिंह ने दस्या कि उन्हां दे पुत दा 4 साल पहला विआह होया सी। तो 6 महीने बाद ही उसकी पत्नी झगड़ा करके अपने पेके घर चली गई सी। 3 साल तक ओह उत्थे ही रही, उत्थे ही उसदे मुंडा होया। इस तो बाद ओह पंचायत नू नाल लेके सौरे घर आ गई। 29 अक्टूबर नू पोते दा जन्म दिन सी। ओह जन्म दिन दी पार्टी करन लई हरविंदर दे दबाव बना रही सी। इस नू लेके उन्हां दोवां विच घर झगड़ा हो गया, जिस तो बाद फिर ओह अपने पेके घर चली गई। हरविंदर ने उस नू रोकन दी कोशिश कीती ते कहा कि जे ओह गई तां ओह मर जावेगा। इस दे बावजूद ओह पेके घर चली गई, जिस तो 1.5 घंटे बाद ही हरविंदर ने फाहा लेके खुदकुशी कर ली। पंजाब विच बिजली संकट अज तो लग सकदा लंबे कट। जी हां, दस दईए कि बुधवार तो पंजाब विच बिजली दा संकट शुरू हो सकदा है। अज तो सूबे दे लोकां नूं बिजली दे लंबे कट्टां दा सामना करना पै सकदा है। इस दा कारण सूबे दे प्राइवेट थर्मल पावर प्लांटां विच कोले दा खत्म होना दस्सिया जा रहा है। इस संबंधी पिछले कुछ दिनां तो लगातार सियासी लीडरां ते प्लांट दे मालकां दे दावे सामने आए हन। उन्हां दा कहना सी कि कुछ ही दिनां दा कोला बचिया है। खेती कानूनां खिलाफ करीब 1 महीने तो पंजाब दे किसान अंदोलन कर रहे हन। इस दौरान किसान जथेबंदियां ने सूबे विच रेल रोको अंदोलन दी शुरुआत कीती सी। इस करके ना तां सूबे विच कोई रेल आई ते ना गई। इस दौरान माल दी सप्लाई भी नहीं होई। हुण पंजाब विच बिजली दे गंभीर संकट दी स्थिति है। सूबे विच माल गड्डियां ना होण कारण कोले दी सप्लाई नहीं हो रही। इस कारण सूबे विच प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट कोले दी घाट कारण गंभीर स्थिति विच फसे हुए हन। अजिही स्थिति विच इन्हां प्लांटां विच बिजली उत्पादन अज तो ठप हो सकदा है।
भगवंत मान ने पंजाब सरकार तो कीती MSP दी गारंटी दी मांग। जी हां, दस दईए कि पंजाब विच इस समय खेती कानूना करके सियासत गरमाई होई है। केंद्र दे खेती कानूना खिलाफ पंजाब विधानसभा दा विशेष सैशन सद्या गया, जिस दा बुधवार नूं आखरी दिन रहा। इस दे नाल ही दस दईए कि बीते दिन ही पंजाब विधानसभा विच इन्हां कानूना नूं लैके 4 बिल पास कीते गए। हुण संगरूर तों आप दे सांसद भगवंत मान ने भी अज चंडीगढ़ विखे प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती, जिस दौरान पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं उन्हां कहा कि पंजाब सरकार ने जो कल विधानसभा विच बिल पास कीते असी उन्हां दा साथ दिता। आप ने किसानां करके पंजाब सरकार दा साथ दिता। उन्हां कहा कि जिस ढंग नाल कांग्रेस लड्डू वंड रही है यह कोई जित नहीं। मान ने कहा कि पंजाब सरकार जो बिल लैके आई है ओह केंद्र सरकार दे बिलां विच सिर्फ अमेंडमेंट है। मान ने पंजाब सरकार ते इल्जाम लाउंदिआं कहा कि सूबा सरकार अखां विच घट्टा पाउण दी कोशिश ना करे। पंजाब दे किसानां दे घरां विच अजे भी अग नहीं मची। केंद्र नाल लड़ाई वड्डे पद्धर ते लड़नी पैणी है। मोहाली पुलिस नूं मिली वड्डी कामयाबी, असला ते चोरी दीआं गड्डियां समेत 4 नौजवान गिरफ्तार। जी हां, दस दईए कि स्थानक पुलिस दे हत्थ वड्डी कामयाबी लगी। दरअसल मोहाली पुलिस ने नशीले टीके, गांजा, असला अते चोरी दीआं गड्डियां समेत 4 व्यक्तियां नूं गिरफ्तार कीता है। गिरफ्तार नौजवानां दी पछाण सागर कृष्ण वासी चंडीगढ़ अते राहुल सुखमन वासी लालड़ू वजों होई है। इस दे नाल मोहाली पुलिस ने जिले विच 1 दर्जन दे करीब वारदातां नूं हल कर लिया है। गिरफ्तार किए गए मुलजमान खिलाफ 30 के करीब मामले दर्ज हैं। फिलहाल इन्हें 22 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। सिद्धू दे इजलास विच पहुंचन ते कैप्टन ने जताई खुशी, तारीफ विच कह दित्ती यह गल। जी हां, दस दईए कि तकरीबन 1.5 साल बाद सियासत विच मुड़ सरगर्म होए नवजोत सिंह सिद्धू ते कैप्टन अमरिंदर सिंह विचाले पईआं दूरियां शायद छेती ही दूर होण वालियां हन। पिछले दिनी विधानसभा विच नवजोत सिंह सिद्धू ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दीआं नजरां मिलीआं तां कैप्टन दे चेहरे ते हसी वेखी गई ते अज इक वार फिर तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मीडिया नाल गल करदे होए कहा कि उन्हां नूं खुशी है कि नवजोत सिंह सिद्धू विधानसभा विच आए। उन्हां ने कहा कि उन्हां नूं पता नहीं सी कि बीते कल नवजोत सिद्धू दा जन्मदिन सी ते ओह उन्हां नूं वधाई दिंदे। बीते दिन विधानसभा विच भाषण दे शुरू करदे ही सिद्धू ने खेती बिलां ते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों लए गए स्टैंड दी दिल खोल के तारीफ कीती। उन्हां कहा जिन्ना ज्यादा हनेरा हुंदा है सितारा उन्हां दा चमकदा है अते CM साहिब दा विधानसभा बुलाउण दा फैसला इसे काले कानून दी काली रात विच सितारे वांग चमक रहा है। स्पेशल सेशन केंद्र दे मुंह ते चपेड़ है। एह चपेड़ दी गूंज पूरे हिंदुस्तान विच गई है। आप दे श्रोमणी अकाली दल ते भड़के सुखपाल खैरा, दिता वड्डा बयान। जी हां, दस दईए कि विधानसभा दा विशेष इजलास खत्म होण मगरों सुखपाल सिंह खैरा ने आम आदमी पार्टी ते श्रोमणी अकाली दल नूं लम्मे हत्थी लिया। पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं खैरा ने कहा कि कल आम आदमी पार्टी अते श्रोमणी अकाली दल ने सरकार दे सारे बिलां ते पूरा समर्थन दिता अते राजपाल नूं सौंपण वेले वी नाल गए, पर कुछ ही पलां बाद मीडिया कोल जाके दोवें पार्टियां वक्खो वक्खरे बयान दिंदियां नजर आईयां। उन्हां दस्सिया कि अज पंजाब सरकार ने 7 बिल पास करने सी, पर शुरुआत विच ही आम आदमी पार्टी दे विरोधी धिर दे नेता ने स्पीकर नाल बदकलामी कीती, जिस कारण सारे हाउस विच वड्डे पद्धर ते रौला पै गया। इस रौले विच ही 7 बिल पास कर दिते गए। उन्हां कहा कि सरकारां तां अजिहा मौका लभदियां हुंदियां हन जिस विच बिना किसी रुकावट दे ओह अपना काम कर सकण। इह मौका अज आम आदमी पार्टी दी लीडरशिप ने उन्हां नूं दिता। उन्हां कहा कि ਇਹ ਹਾਊਸ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
खेती कानून ते सीएम कैप्टन दा केंद्र नाल सीधी लड़ाई लड़न दा फैसला विधानसभा विच दित्ती वड्डी चुनौती। जी हां, दस दईए कि खेती बिल ते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीधी लड़ाई लड़न दा फैसला कर लिया है। पंजाब विधानसभा विच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि भावें केंद्र राष्ट्रपति शासन लगाना चाहुंदी है तां लगा देवे, मेरी सरकार बर्खास्त करना चाहुंदी है तां कर देवे, ओह पिछे नहीं हटणगे। उन्हां कहा, मैं सिर नहीं झुकावांगा, जनता दी कचहरी भी जाके मुड़ तो वापस आउणगे। इस तो पहला बीते दिन भी मुख्यमंत्री ने कहा सी कि बरनाला सरकार अते ऑपरेशन ब्लू स्टार वेले भी उन्हां ने पंजाब दे हक विच अपनी ही पार्टी दी नहीं सुनी सी अते अस्तीफा दिता सी। कैप्टन दे बिलां नूं किसानां ने मन्निया पहला हथियार, हुण इसे नाल मोदी सरकार खिलाफ अगली लड़ाई। जी हां, दस दईए कि पंजाब सरकार वल्लों सूबे दी विधानसभा विच बीते दिन केंद्र सरकार दे 3 खेती कानूनां खिलाफ 4 खेती बिल पास कीते गए हन। इन्हां करके पंजाब दा किसान कुछ हद तक संतुष्ट नजर आ रहा है। हुण ओह केंद्र सरकार दे खेती कानूनां खिलाफ पंजाब सरकार वल्लों लियांदे बिलां नूं अपना पहला हथियार मन रहे हन। इस दे नाल ही दे किसानां वल्लों लड़ी जा रही केंद्र खिलाफ लड़ाई विच पंजाब सरकार वल्लों चुकिया इह पहला हां पक्षी कदम भी मन्निया जा रहा है। दूजे पासे किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वल्लों अमृतसर जिले दे देवीदासपुरा विखे रेल रोको अंदोलन 28वें दिन भी लगातार जारी है। इस कारण पंजाब विच रेलवे आवाजाई बुरी तरह प्रभावित हुई। इस दा असर नाल लगदे गुआंढी सूबिआं ते भी देखण नूं मिल रहा है। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों कल इक वार फिर किसानां नूं रेलवे ट्रैक खाली करन दी अपील कीती गई सी। दिवाली तो पहला अध्यापकों लई खुशखबरी। जी हां, दस दईए कि दिवाली तो पहला सिक्ख्या विभाग दे मुलाजमां लई खुशखबरी है। पंजाब सरकार ने नवे तनखाह स्केल लागू कर दिते हन। 5वें पंजाब तनखाह कमिशन दीआं सिफारशां दी पालना करदिआं 7वें केंद्रीय तनखाह कमिशन दे आधार ते राज सरकार ने सिक्ख्या विभाग दे वख-वख श्रेणियां दे कर्मचारियां लई तनखाह स्केल विच सोध कीती है। स्कूल सिक्ख्या दे सकत्तर कृष्ण कुमार वल्लों जारी कीते नोटिफिकेशन मुताबिक ताजा सोध 1 जनवरी 2006 तो वख-वख श्रेणियां दे कर्मचारियां नूं दित्ते सोधे तनखाह स्केलां ते आधारित है। इस मुताबिक उप जिला सिक्ख्या अफसर ते प्रिंसीपल नूं 15600 माइनस 3900 प्लस 6000 ग्रेड तनखाह विच रख्या गया है, जदों के मुख अध्यापक लैक्चरार किता मुखी लैक्चरार मास्टर ब्लाक प्राइमरी सिक्ख्या अधिकारी ते सेंटर हैड टीचर नूं 10300 माइनस 34800 प्लस 4400 ग्रेड दी तनखाह विच रखा गया है। अजे राजपाल दी मोहर लगी नहीं तां कांग्रेसी जशन किस गल्लों मना रहे हन मजीठिया। जी हां, दस दईए कि श्रोमणी अकाली दल ने कैप्टन सरकार वल्लों केंद्र दे खेती कानून नूं खुंडा करन लई पास कीते बिलां उत्ते वड्डे सवाल खड़े कीते हन। अकाली दल दे सीनियर आगू बिक्रम सिंह मजीठिया ने आख्या है कि कांग्रेसी आगू बिल पास होण उत्ते लड्डू वंड रहे हन ते कैप्टन किसानां लई अपनियां कुर्बानी देण दीआं गल्लां कर रहे हन, पर अजे राजपाल ने पंजाब सरकार वल्लों लियांदे गए बिलां ते अपनी सहमति दी मोहर नहीं लगाई। इस लई इह तय ही नहीं कि गल अगे तुरेगी भी कि नहीं। उन्हां कहा कि सरकार ने किसानां नाल धोखा कीता है, क्योंकि जो बिल सरकार दे अधिकार खेतर विच सन ओह लियांदे ही नहीं गए। पंजाब नूं सरकारी मंडी ऐलानन तों सरकार भज गई, जदों कि इस लई राष्ट्रपति दी सहमति दी लोड़ ही नहीं है। मजीठिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान कहा कि असल विच गल अजे भी उत्थे ही खड़ी है, क्योंकि सरकार ने सारा कुछ गोलमाल कीता है। उन्हां कहा कि MSP नूं लैके स्पष्ट फैसला नहीं लिया गया, पर समझ नहीं आ रही कांग्रेस सूबे विच जशन किस गल दे मना रही है। दोस्तों, जे तुहानूं इह साडी जानकारी वधिया लगी तां कमेंट करके दस्सिओ, लाइक अते शेयर जरूर करिओ अते साडे चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ। धन्नवाद।